हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज बीटीसी ट्रेडर। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पीएनएल स्टेटमेंट दिखाऊंगा मार्च मंथ का। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड मैंने मार्च मंथ में ग्रो और फिनवासिया दोनों में ट्रेड किया था, सो दोनों का पीएनएल स्टेटमेंट देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। सो सबसे पहले मैं आपको अपना ग्रो ऐप का पीएनएल स्टेटमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एफएनओ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट फ्रॉम 1 मार्च टू 31 मार्च। एंड इस पर मेरा रियलाइज पीएनएल है वो -2479 रुपीज़ का लॉस है। एंड चार्जेस और टैक्सेस है वो 1982 रुपीज़ का है। एंड इस पर मेरा लॉस का कारण है कि बहुत बार मेरा ऐसा हुआ है कि मैं अपना टारगेट के आसपास में ही हूँ, लेकिन उस पर मैंने अपना लॉस बुक किया है 1000 रुपीज़ का, जिसके कारण मैं लॉस में हूँ। एंड एक बार हीरो जीरो में ऐसा हुआ था कि मैंने 6 रुपीज़ पर बाई किया था एंड उसका टारगेट 10 रुपीज़ का था। आज जब तक मैं इस पर स्टॉप लॉस लगा रहा था वो 11 रुपीज़ से जाके वापस मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। एंड इस पर मेरा मोर देन 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन उस पर मेरा लॉस हुआ है लगभग 1.5K के आसपास। एंड यहाँ पर देखते हो और मैंने ऐसे क्या किया था जिसके कारण मेरा लॉस हुआ है। एंड यहाँ देख सकते हैं मेरा रिलायंस पीएनएल है वो -350 रुपीज़ का लॉस है एंड इस पर 482 रुपीज़ का लॉस है। एंड यहाँ पे 1788 रुपीज़ का लॉस है एंड इसमें 500 रुपीज़ का लॉस है एंड इस पर 1000 रुपीज़ का लॉस है एंड इस पर 1700 रुपीज़ का लॉस है। एंड यहाँ पे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड इस वाले ट्रेड पे 780 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड यहाँ पे 400 रुपीज़ का लॉस है एंड यहाँ पे 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। एंड इस पर देख सकते हैं ये हीरो जीरो था, 640 क्वांटिटी था जिस पे मेरा प्रॉफिट हुआ है। एंड यहाँ पे 1500 रुपीज़ का लॉस है एंड यहाँ पे 930 रुपीज़ का लॉस है एंड यहाँ पे 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड यहाँ पे 300 रुपीज़ का प्रॉफिट है, यहाँ पे 1100 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड इस पे 750 रुपीज़ का लॉस है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 2490 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड यहाँ पे 720 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड यहाँ पे 350 रुपीज़ का लॉस है एंड यहाँ पे 1200 रुपीज़ का लॉस है एंड इस पे 480 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड इस वाले ट्रेड पे 1580 रुपीज़ का लॉस है एंड यहाँ पे 260 रुपीज़ का लॉस है एंड यहाँ पे 500 रुपीज़ का प्रॉफिट है एंड यहाँ पे 177 रुपीज़ का लॉस है एंड इस पे ब्रेक इवन है। सो ग्रो ऐप पे मेरा लॉस का कारण यही है कि मेरा प्रॉफिट तो चल रहा था बट मैंने उस पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया जिसके कारण मेरा लॉस हुआ है इस पर। एंड फिनवासिया पे मैंने स्कैल्पिंग किया था, 2.3 पॉइंट लेके निकल गया था, ये मेरा गलती था जिसके कारण मेरा फिनवासिया में आप देख सकते हैं रियलाइज पीएनएल है वो 1943 रुपीज़ का लॉस है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 रुपीज़ का लॉस है, 50 रुपीज़ का लॉस है, 344 रुपीज़ का लॉस है, 560 रुपीज़ का लॉस है, 600 रुपीज़ का लॉस है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जब प्रॉफिट हुआ है 76 रुपीज़, 15 रुपीज़, 34 रुपीज़, 30 रुपीज़, 33 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड यहाँ पे 800 रुपीज़। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सारा इसमें लॉस ज़्यादा है जिसके कारण मेरा इस मंथ लॉस में मैं हूँ। सो ओवरऑल देख लेते मेरा कितना लॉस है। ग्रो ऐप पे मेरा लॉस था 2479.14 रुपीज़ का, प्लस इस पे ब्रोकरेज था 1982.21 रुपीज़, प्लस फिनवासिया में मेरा लॉस था 1943.99। सो मेरा इस मंथ लॉस है 6400 रुपीज़ का। सो नेक्स्ट मंथ से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट भी हो रहा है, सो कोशिश तो रहेगा कि प्रॉफिट नेक्स्ट मंथ से हो। सो देखते क्या होता है नेक्स्ट मंथ से।